बेबी जमाई राजा तो घर पर नहीं है ना? तुम क्या अंधे हो लल्लू? तुमको दिखाई नहीं दे रहा वो यहाँ कहीं नहीं है। बेबी मैंने सुना है तुम भूमि पूजन में नहीं जा रही हो। तुमको किसने बताया? किसी को बताने की जरूरत ही कहाँ है बेबी। जमाई राजा रघु से बात कर रहे थे और बात खुद ब खुद उड़कर मेरे कानों तक पहुंच गई। क्या वाकई में तुम भूमि पूजन में नहीं जा रही हो? लल्लू जिस मकान से मेरा कोई लेना देना नहीं है वहां जाकर मैं क्या करूंगी? बेबी अगर तुम उस मकान से कोई वास्ता नहीं रखोगी तो विरोधी पार्टी को बर्बाद कैसे करोगी? हमेशा गुस्से में नहीं रहते बेबी, कभी कभी ठंडे दिमाग से भी सोचते हैं। अगर तुम वहां नहीं गई तो बहुत नुकसान हो जाएगा बेबी। कैसा नुकसान? विरोधी दल को साफ पता चल जाएगा कि तुम्हें उनके मकान बनाने की कोई खुशी नहीं हुई। बेबी मन की बात को कभी जाहिर नहीं किया करते, और अगर तुम वहां नहीं गई तो जमाई राजा भी नाराज हो जाएंगे। वो नाराज हो या खुश मुझे से कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मुफ्त का मकान हाथ से निकल जाने से तो फर्क पड़ता है बेबी। हाँ कहीं ऐसा ना हो कि तुम न जाओ और तुम्हें और जमाई राजा को आधा मकान देने का उनका वो इरादा बदल जाए। बेबी जब तक तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो जाती तुम्हें उनसे रिश्ता रखना पड़ेगा। मोहब्बत का ना सही नफरत का ही सही, लेकिन रिश्ता तो रिश्ता ही है। क्यों मिस्टर पड़ोसी, कैसे हो? अरे आप, और यहाँ चौंक गए? कहिए कैसे आना हुआ? तुम्हें यह बताने आया हूं कि दो जगह इंसान को अपनी इमेज क्लियर रखनी चाहिए, एक जहां वो काम करता है और दूसरा जहां वो रहता है। और तुम जहां रहते हो वही काम करते हो, एम आई राइट? तो ये कि तुम दोनों ही जगह अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? नेवर माइंड, मतलब मैं तुम्हें समझा देता हूं।